हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अर्षा टेस गार्डन में। जैसे कि शुरुआत है इन सुंदर से प्यारे से फूलों के साथ। आप देख सकते हैं ये प्यारे से सुंदर सदाबहार के फूल। हमें ये फूल पाने के लिए मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने मिट्टी इसकी इतनी अच्छी बनाई है कि इतने सुंदर सुंदर फूल आते हैं। तो आज का टॉपिक यही है कि पौधों के लिए हम ऐसी कैसी मिट्टी तैयार करें कि इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। ये देख सकते हैं छोटे से छोटे गमले में भी इतने अच्छे फूल आते हैं। यानी हमारे पौधों की, जैसे कहते हैं ना, नींव वो अहम होती है एक मिट्टी। अगर मिट्टी अच्छी नहीं होती तो हमारे पौधे भी हरे भरे नहीं रहते हैं। मिट्टी बहुत ज़रूरी है हमारे पौधे। तो हम अच्छे अच्छे लगा लेते हैं, महंगे महंगे पौधे लगा लेते हैं, लेकिन अगर उनकी मिट्टी हम अच्छी तैयार नहीं करते तो वो पौधे कुछ ही दिन हमारे घर में चलते हैं, फिर मर जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पौधों की मिट्टी। मिट्टी हमें इतनी अच्छी तैयार करनी है कि सिर्फ फूल या फल नहीं, पत्तियों वाले भी जो होते हैं, परमानेंट प्लांट या ऑर्नामेंटल प्लांट जो भी वहाँ होते हैं, उन सब की नींव होती है मिट्टी। मिट्टी है जो पौधों को भरा करती है, उनको कहीं सारी बीमारियों से बचाती है। अगर मिट्टी हमारी ख़राब होगी तो कहीं सारी बीमारियों से हमारे पौधों को जूझना पड़ता है। उसमें कहीं सारे फंगस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, ये सब कमाल है मिट्टी का। तो आज ही मैं दिखाने वाली हूँ कि बिल्कुल सिंपल तरीके से, कुछ भी बाहर से फंगीसाइड वगैरह नहीं लाती और बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे मैं घर में मिट्टी तैयार करती हूँ। NPK, DVAP जो भी बाहर से आता है, गोबर का कुछ भी मैं यूज़ नहीं करती। सिंपल सी मेरी घरेलू चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है मेरी मिट्टी, आप देख सकते हैं कितनी मिट्टी। और ये मेरे पुराने गमलों की मिट्टी है जिसको मैंने अच्छे से सुखा लिया है। मैंने इसको पूरा नहीं सुखाया, इसको मैंने 90% सुखाया हुआ है, लेकिन इसमें मेरी पहले से खाद वगैरह मिली हुई है। रेत देख सकते हैं कितनी अच्छी है। तो ये मिट्टी होती है जो हमारे पौधों की ग्रोथ को अच्छी रखती है। मिट्टी अच्छी होगी तभी हमारे पौधे हरे भरे होंगे, तभी उसमें फल फूल लगेंगे। और ये रेत, बालुई मिट्टी जैसे कहा जाता है, घर बनाने में काम आती है। ये हमारे पानी को होल्ड करके रखती है। अगर मिट्टी अच्छी नहीं होती है, मिट्टी के साथ रेतों का भी होना ज़रूरी है। रेत हमारे पानी को रोके रखती है। गर्मी के दिनों में रेत लगाना ज़रूरी होता है। उसके बाद तीसरा, ये मेरा कोकोपीट देख सकते हैं। कोकोपीट में कम ही यूज़ सकती हूँ, ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ। हाँ, अगर मुझे हैंगिंग बास्केट वगैरह बनाने होते हैं, जैसे अभी है ना विंटर करने वाला है, तो उसके लिए मैं कोकोपीट ज़्यादा यूज़ करूँगी। और मेरा चौथा, ये देख सकते हैं, जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, वर्मी कंपोस्ट। वैसे तो मैं घर की खाद भी यूज़ करती हूँ, पर फिलहाल मेरे पास घर की खाद बनी हुई नहीं है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि आप बोलते हो ना भैया ना, मैंने ये डाला, ये फंगीसाइड डाला, वो फंगीसाइड डाला, तो मैं बाहर से कुछ भी नहीं लेती। सिंपल सा, ये देख सकते हैं, जो लकड़ी जलाते हैं ना, उसके कोयले होते हैं, वो राख वगैरह, मोटे मोटे टुकड़े, वो पतली राख है। और इसमें आप चाहें तो चूना भी मिला सकते हैं। फिलहाल मेरे पास चूना नहीं है। जो पान वाले के यहाँ चूना मिलता है खाने का, वो आप चूना भी मिला सकते हैं। बस सिंपल सी, कुछ भी नहीं करती मैं। इसमें एक हल्दी मिला दूंगी, फिलहाल मेरी हल्दी नीचे पड़ी है। कुछ भी नहीं, सिंपल सी मिट्टी, रेत, खाद और कोकोपीट, और एक अच्छी सी मेरी मिट्टी तैयार हो जाती है। मैं ज़्यादा झंझट नहीं करती कि मैंने यानी आज DAP डाल दिया, NPK डाल दिया, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब मिलता ही नहीं। और ऑनलाइन रहने जाओ तो बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है। कुछ नहीं करूँगी, सिंपल। अभी जैसे कि ठंडी आने वाली है, विंटर आने वाली है, अगर मुझे सीड भी लगाने हैं तो मैं यही मिट्टी रखने वाली हूँ, कुछ भी नहीं। क्योंकि इसमें जो राख मैंने डाली है, उससे कोई भी फंगस नहीं लगने वाला है। मैं जितने भी अपने पौधे तैयार करती हूँ, उसमें कंपल्सरी राख और हल्दी डालती हूँ। घर की सारी चीज़ें आप चाहे कुछ भी एक डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं, काली मिर्ची का पाउडर डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे अभी पौधा नहीं लगाना है, लेकिन जब मैं पौधा लगाऊंगी तब मैं डालूंगी। तो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं मिट्टी अपनी तैयार करती हूँ, कुछ खास नहीं करती हूँ, आपके सामने ही है, कुछ भी नहीं डालती हूँ। और मेरे पौधे इतने हरे और भरे हैं, बड़े बने फूले हैं। साथ में मेरे कई सारे पौधे हैं जिनमें अच्छी खासी इंडोर प्लांट्स हैं, उनमें भी मैंने ऐसी ही सिंपल रेत मिट्टी मिक्स की है और मेरे पौधे बहुत ही अच्छी तरह चलते हैं। तो यही सारी तैयारी करके बस मैं इसको एक बोरी में बांधूंगी और सिंपल से रख दूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। और जब मुझे पौधा लगाना होगा तब मैं लगाऊंगी।
तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इतने सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे फूल आप देख सकते हैं, कितनी छोटी छोटी कटिंग है और मेरी कितनी प्यारी लग रही है। ये सब है हमारी एक मिट्टी का कमाल, अगर मिट्टी अच्छी तो पौधे भी अच्छे।